क्षण है, इसलिए उनके प्रियजन उनको कृष्ण कह के बोलते हैं, हा कृष्ण हा कृष्ण। पागल होते हैं, एक एक बार जबान पर नाम लेते हैं तो उनको बड़ा रस मिलता है, जब तक नहीं मिल पाते हैं कृष्ण से, कुछ पागल जैसे संसार की दृष्टि में। ऐसे तो समाज के बीच में सम्राटवत हैं, लेकिन संसार की आंखों से जब देखा जाए तो पागल जैसे नजर आते हैं संसारिक लोगों को। वो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनके प्रेमी होते हैं, उनके विरह में वो पागल हो जाते हैं। तो ये 24 तत्वों से ये संसार प्रकट होता है, ये आप समझ लीजिए। इनमें ही अहंकार के 3 ब्रांच निकलते हैं, तो तमोगुणी रजोगुणी सतोगुणी अहंकार प्रकट होते हैं। इन तीनों गुणों में से ये संसार जो है विभाजित होता है फिर दोबारा। तमोगुणी व्यक्ति तमोगुण में रहता है, उसको शास्त्र में जो है शूद्र कह के बोला। रजोगुण में रहता है उसको क्षत्रिय कह के बोला। तमोगुण रजोगुण दोनों मिलावट में होते हैं मिले हुए, तो उसको वैश्य कह के बोला। और सतोगुण में रहने वाले को ब्राह्मण कह के बोला। सतोगुण में आदमी दान पुण्य करता है, ईमानदारी से रहता है, शुद्धता से रहता है, उसका आसन ऊपर है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये डिग्री है, तो थर्ड और फोर्थ। तो ये फोर्थ ये समझिए कि जैसे फर्स्ट क्लास ऑफिसर होते हैं सारे संसार में, सेकंड क्लास भी होते हैं, थर्ड क्लास भी होते हैं, फोर्थ ग्रेड भी होते हैं। ये समाज को 4 डिवीजनों में बांटा है समाज की सुदृढ़ रचना करने के लिए, सुदृढ़ रचना करने के लिए। जो स्कॉलर्स होते हैं जिनको विशेष ज्ञान है, दया हृदय में है, सात्विक स्वरूप है उनका, पूर्ण दान धर्म करते हैं, किसी को सताते नहीं, समाज में किसी को तकलीफ नहीं देते, चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, मक्कारी बेईमानी नहीं करते, रिश्वत नहीं लेते, शुद्ध स्तर पर हैं, उनको ब्राह्मण कहने में कोई हर्ज नहीं है। जो शुद्धता पर नहीं है वो ब्राह्मण के नाम पर कलंक है, सो कॉल्ड ब्राह्मण, तथाकथित ब्राह्मण ठग हैं, ब्राह्मण का वेश तो बना लिया है, धागे जनेऊ भी डाल लिए हैं, लेकिन उनके अंदर सारे अवगुण विद्यमान हैं। शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लबाड़ेबाज हैं, धोखेबाज हैं। पूछो जी आप कौन है, बोले हम ब्राह्मण हैं, हम पाराशर गोत्र के ब्राह्मण हैं, हम सो एंड सो गोत्र नहीं, ब्राह्मण तो इनको नहीं कहा गया। ब्राह्मण का दर्जा ऊंचा होता है, शुद्ध हृदय का आदमी ब्राह्मण होता है, जो दान लेता भी है तो देता भी है, ये नहीं लेते लेते जाओ। संतोषी ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण संतोषी नहीं है तो नष्ट हो जाता है। संतोषी असंतोषी असंतोषी द्विजा नष्टा, अगर ब्राह्मण के अंदर संतोष नहीं है, शील नहीं है, दान नहीं है, धर्म नहीं है, विद्या नहीं है, विद्या देता नहीं है दूसरों को, तो ब्राह्मण कहलाने का हकदार नहीं है। सच्चाई नहीं है, ईमानदारी नहीं है, हृदय की सरलता नहीं है, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा है, वो ब्राह्मण नहीं है। उससे तो अच्छे शायद पशु पक्षी ज्यादा ठीक होते हैं, साधारण होते हैं, शुद्ध होते हैं। ब्राह्मण सतोगुण में प्रकट होता है, क्षत्रिय रजोगुण में प्रकट होता है, क्योंकि वॉरियर है वो, मिलिट्री है, पुलिस है, देश की सुरक्षा के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए वॉरियर होना जरूरी है, समाज को सुदृढ़ करने के लिए, कोई खूंखार चीत बाघ को मारने के लिए, टाइगर को मारने के लिए, जो गांव में आके लोगों को मारता है, नरमांस भोजी बन गया है, ऐसे खूंखार जानवरों को मारने के लिए क्षत्रिय जरूरी है, डाकुओं को मारने के लिए, जेल में डालने के लिए क्षत्रिय जरूरी है,
चोरों को पकड़ने के लिए क्षत्रिय जरूरी है, क्षत्रिय जो ब्राह्मण से समाज को ज्ञान और कुछ गुण प्राप्त